Good morning students. Today we will discuss the part number 3 from our chapter Women Caste and Reforms. Today we will discuss about the Ram Ch uh, Raja Ram uh, Mohan Rai, which had been brought changes in women situation. राजा राम मोहन रायवाजा एन इंडियन रिलीजियस सोशल एंड एजुकेशनल रिफॉर्मर एंड ह्यूमटेरियन बहुत बड़े एजुकेशनल रिफॉर्मर भी थे जिन्होंने चैलेंज किया पुरानी सभ्यता को ट्रेडिशंस को और हिंदू कल्चर में सबसे बड़ी प्रथा जो सती प्रथा चल रही थी उसको अबॉलिश करने में हेल्प करी द लाइन्स ऑफ प्रोग्रेस फॉर इंडियन सोसाइटी अंडर ब्रिटिश रूल और ब्रिटिश रूल के अंडर रहकर ही इंडियन सोसाइटी को प्रोग्रेस की तरफ लेकर गए राजा राम मोहन राय बॉज वेल वर्स्ड इन संस्कृत पर्शियन एंड सेवरल अदर इंडियन एंड यूरोपियन लैंग्वेजेस रॉय पॉइंट आउट ऑफ द पीपल दैट सती उन्होंने सती प्रथा के अगेंस्ट आवाज उठाई और बहुत सारे ऐसे ब्रिटिशर्स भी थे जो सती प्रथा के अगेंस्ट थे इसीलिए उन्होंने राजा राम मोहन राय का फेवर किया उनको पूरा सपोर्ट करा इन 1829 सती प्रथा को बैन कर दिया गया द दीप्टेड बाई मोहन राय लेटर रिफॉर्मर्स एज वेल बहुत सारे और रिफॉर्मर्स ने भी उनकी जो स्ट्रैटेजी थी उसको यूज किया उनकी जो प्लानिंग थी उनके जो टूल्स थे उसको यूज किया वेन एवर दे चैलेंज अ प्रैक्टिस दैट सीम्ड हार्मफुल जब भी आप किसी चीज को सोसाइटी में से खत्म करने की कोशिश करते हो तो कई बार वो आपके लिए नुकसानदायक भी होती है ऐसा ही उनके साथ हुआ बहुत सारे पुराने लोग थे जो इस चीज को खत्म नहीं करना चाहते थे नेक्स्ट है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ईश्वर चंद्र विद्यासागर वॉज एन इंडियन बेंगोली पॉलीमिथ एंड की फिगर ऑफ द बेंगाल रिनाइसेंस जो बंगाल के बहुत बड़े जो इनका नाम था ईश्वर चंद्र विद्यासागर का एंड वो एक फिलोसोफर भी थे एकेडमिक लेवल पे भी बहुत हाई लेवल था उनका एजुकेटर भी थे राइटर भी थे ट्रांसलेटर प्रिंटर पब्लिशर एंड रिफॉर्मर आल्सो दिस इज अ पिक्चर ऑफ ईश्वर चंद्र विद्यासागर ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सजेस्ट किया कि विडोज को रीमैरिज करनी चाहिए देखो अब राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा खत्म कर दी मतलब विडोज को जो साथ में मार देते जल जाने की प्रथा थी वो खत्म हो गई तो अब विडो रीमैरिज की उन्होंने एक नया suggestion, suggestion जो था वो सबके सामने रखा एक लॉ जो था वो पास किया गया किया फिफ्टी सिक्स में विडो की रीमैरिज के लिए ताकि वो दोबारा शादी कर सकती हैं। मैनवर अगेंस्ट द री मैरिज ऑफ विडोज दे अपोज विद्यासागर एंड बायेड हिम बहुत सारे लोग जो इस चीज के अगेंस्ट थे उन्होंने विद्यासागर को बाइकॉट कर दिया गर्सिन टू गो टू स्कूल अब जो लड़कियां थी, वो स्कूल जाने लगी। सागर जी के बहुत बड़े एजुकेशनल सपोर्ट की वजह से लड़कियां स्कूल जाने लगी जिससे उनकी जो कंडीशन थी वुमेन की कंडीशन थी वो इम्प्रूव हो गई क्योंकि अब वो एजुकेटेड हो गए उन्होंने कैलका में उनके लिए स्कूल बनाया वर्षलिंगम एस्टेब्लिश गर्ल्स स्कूल एट देवल देवलेश आश्रम एंड राजा मौंद्री राजा मौंद्री और देवलेश आश्रम में स्कूल एस्टेब्लिश किए गए एंड वेन स्कूल्स फॉर गर्ल ओपन इन मिड सेंचुरी द दियनी पीपल ऑफ रेड ऑफ दैम बहुत से लोग डर गए इस चीज़ से क्योंकि उनको डर था कि ये जो स्कूल थे वो लड़कियों को घरों से दूर ले जाएंगे क्योंकि लड़कियां जब स्कूल जाएंगी तो घर का काम नहीं कर पाएंगी और वो घर से अलग हो जाएंगी टूट जाएंगी घर के काम से बहुत सी लेडीज भी ऐसी थी जिन्होंने लेडीज के लिए ही लिखा वुमेन के लिए भी लिखा और वुमेन की एजुकेशन के लिए लिखा सबसे बड़ा जो इसमें रोल था वो था बेगम रोकिया शेखावत का बेगम रोकिया शेखावत वॉज अ मुस्लिम लेडी उन्होंने वुमेन की एजुकेशन के बारे में लिखा उसको प्रमोट किया और मुस्लिम गर्ल्स के लिए पटना और कैलकटा में स्कूल भी स्टार्ट किए दिस इज अ पिक्चर ऑफ बेगम रोगिया रोकिया शेखावत चेंज इन वुमेन पोजिशन अब एटीन एटीज़ में वुमन की जो पोजिशन थी वो उसमें चेंज आना शुरू हो गया बहुत सारी डेली लेडीज़ या वुमेन जो पढ़ के डॉक्टर्स टीचर्स बननी शुरू हो गई एंड मैनी वुमेन बिगिन टू राइट अबाउट द प्लेस ऑफ़ सोसाइटी प्लेस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी बहुत सी लेडीज़ ने वुमेन के बारे में ही लिखा उनकी सोसाइटी में क्या पोजिशन है उसके बारे में लिखा So, students, today your homework is read page number 110 to 112. Okay, thank you.